हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोलो बैकपैकर अमन। जैसा कि यार आप लोगों को पता है कि अपना एक चैलेंज चल रहा है, मुझे कमाना है जोमेटो में काम करके 90 दिन में 1,00,000 रुपए। आज है अपना डे 55, दिन एतवार, और आज की ऑफर यार 24 ऑर्डर डिलीवर करेंगे तो हमें 350 रुपी एक्स्ट्रा आएगा। और आज मैंने अपनी की वही सुबह 9 से 11 से 12 ब्रेक, 12 से 6 से 7 ब्रेक, 7 से रात 10 बजे तक बुक करके रखी है। 24 ऑर्डर डिलीवर करने हैं। बाकी आप लोगों ने कल की वीडियो में देखा भाई, अपने को 20 ऑर्डर निकालना मुश्किल हो गया था, आज 24 ऑर्डर करने हैं। मेरे को नहीं पता कैसे होगा कैसे नहीं होगा, जैसे भी होगा आप लोगों को मोटो ब्लॉगिंग वाले पार्ट में पता लग जाएगा। सो मोटो ब्लॉगिंग वाला पार्ट मिस मत करना, उसी में होता है कि हम किस हिसाब से काम करते हैं, किस हिसाब से कस्टमर ऑर्डर लेता है, टाइम लगाता है कैश लाने में, किस हिसाब से रेस्टोरेंट टाइम लगाता है ऑर्डर देने में, सब कुछ मोटर ब्लॉगिंग वाले पार्ट में होता है। सो मिस मत करना। और अगर यार आप लोग मेरे को सपोर्ट करना चाहते हो मेरी इस 1,00,000 की जर्नी में तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं यार सीधा मोटर ब्लॉगिंग मोड में। ओके सो यार 9 बजे आईडी लॉगिन की थी और 9:10 पर पहले ऑर्डर आ गया भाई। 1.6 किलोमीटर का पिकअप है, 5.8 किलोमीटर का ड्रॉप है, 47 रुपी का ऑर्डर है। चलते हैं भाई उठाने कुलचा लैंड से। आज सब बंदे कह रहे हैं कि ये संडे है भाई, ऑर्डर ही नहीं मिल रहा। नहीं तो भाई संडे को पता क्या होता है, आईडी ऑन करते ही ना ऑर्डर ऐसे मिलता है हमें, विद इन 1 मिनट अपने को ऑर्डर मिल जाता है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, बस कुलचा लैंड टाइम पर ऑर्डर दे दे हमें, क्योंकि आज 24 ऑर्डर लगाने हैं यार। 24 ऑर्डर लगाएंगे तो अपना जो ऑफर है आज का ऑफर काफ़ी बढ़िया लग रखा है, काफ़ी बढ़िया तो नहीं कह सकते, ठीक ठाक लग रखा है। 350 रुपये हमें ऊपर से आ जाएगा। और पेट्रोल मैंने इसमें कल ही भरवा लिया था यार, पिछले लास्ट 1-2 संडे से पेट्रोल पंप बंद रहते हैं, कुछ स्ट्राइक वगैरह चल रही है। मे भी कह रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट बढ़ाओ, थोड़ा पेट्रोल महंगा करो, उस वजह से स्ट्राइक वगैरह चलती रहती है इन लोगों की। इधर है भाई कुलचा लैंड, इधर तो भाई भीड़ लगी पड़ी है, मे भी अपने को लगेगा इधर टाइम। रीच पिकअप करके देखें जाना कहाँ पर है, घंटा कर राजगुरु नगर जाना है मेरे भाई। क्या बात। सो यार अभी जाकर के अपना ऑर्डर रेडी हुआ, संडे वाले दिन कुलचा लैंड के पास आओ तो ये समझ लो कि आपका आधा घंटा पार है। अभी देखो 9:28 हो गए, अब जाकर के अपने को ऑर्डर मिला। 15 मिनट इसको डिलीवर करने में भी लगेंगे, 45 मिनट में एक ऑर्डर डिलीवर किया तो क्या किया मेरी जान, क्या किया। जल्दी से जाना है, जल्दी से डिलीवर करना है इसको, अब सब्र नहीं है भाई। 4 ऑर्डर कैसे निकलेंगे, कुलचा लैंड का ऑर्डर ना पड़े तो, बीकानेर का, नाज किचन का, बर्गर किंग का ऑर्डर ना पड़े तो पॉसिबल है। इधर भाई कल जन्माष्टमी है, कल कृष्ण जी का हैप्पी बर्थडे है। जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे होगे ना उस दिन तो भाई जन्माष्टमी होगी, सो हैप्पी जन्माष्टमी यार सबको। ये हमारे लुधियाना का कृष्णा मंदिर, देख लो भाई, कर लो दर्शन, अंदर से भी आप लोगों को हल्के फुल्के दर्शन करवा दूँ। ये लो कर लो भाई दर्शन अंदर से, जय भोले। अंदर ना बहुत बड़ी हनुमान जी की प्रतिमा लगी हुई है। कल इधर बहुत ज़्यादा रश भी रहने वाला है क्योंकि इधर लगेगा मेला, उस वजह से काफ़ी ज़्यादा रश होगा इधर, बिकॉज लुधियाना का सबसे बड़ा कृष्ण जी का मंदिर है, कृष्णा मंदिर, और ऊपर से है जन्माष्टमी। सो भाई समझ सकते हो कि कल इधर रश होने वाला है। और कल के ऑफर वगैरह भी बढ़िया लग चुके हैं, लगभग 500 रुपी है 22 ऑर्डर डिलीवर करने पर। लेकिन जन्माष्टमी की वजह से आई डोंट नो काम होगा अच्छा नहीं होगा, लेट्स सी क्या बनता है। पहले ही ऑर्डर डिलीवर करने चलते हैं। पहला ऑर्डर डिलीवर डन। ओ मेरे भाई कितने मिले हैं इसके, कितने मिले हैं भाई, 44, नॉट बैड। अभी इधर से दोबारा से सराबा नगर की तरफ निकलना पड़ेगा, रास्ते से बी देसी निक बेकर चोलू मोलू से रेस्टोरेंट उठा सकते हैं। यही चीज़ तो चाहिए थी भाई, बी देसी से 23 रुपी का ऑर्डर आ रहा है, बट ये कैश का है यार, कैश आज मेरे बैंक में है नहीं, मेरे पास कम है यार, दोस्त से लेना पड़ेगा क्योंकि इसके बाद अपनी आईडी बंद हो जाएगी। पहले देखना पड़ेगा कितनी प्लेट्स हैं, उस हिसाब से 1200-1300 तो मेरे बैंक में है, अगर कम प्लेट्स हुई फिर तो मैं डाल लूँगा, अगर ज़्यादा प्लेट हुई भाई फिर अपने को थोड़ा पंगा पड़ सकता है, फिर किसी यार दोस्त से लेने पड़ेंगे पैसे, पहले चलते हैं रेस्ट। ये है भाई इतना बड़ा पार्सल, इसका बिल कम से कम नहीं तो 400 रुपये तो बनेगा, डालें पैसे 300 रुपये डाल देता हूँ इसमें मैं।
पहले छोड़ो यार, कस्टमर की लोकेशन पे जाके डालेंगे, न्यू मॉडल टाउन जाना है, क्या पता कस्टमर ऑनलाइन पे कर दे, तो फालतू में मैं डालना नहीं चाहता यार, अगर पैसे ज़्यादा रहेंगे। चलो मिलते हैं फिर 11 में मिलते हैं। ये भाई अपने ना ब्रेक में अपने साथ ही रहते हैं ये सारे भाई बंधु, उनमें से एक लाउंडा जा रहा था अभी। हाँ मैं क्या कह रहा था, क्या पता कस्टमर ऑनलाइन कर दे, तो भाई अगर उसने ऑनलाइन कर दिया तो आईडी में ज़्यादा पैसे हो जाएंगे, जो कि जोमेटो एक ऑर्डर में ही खा जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता कि भाई जोमेटो अपने पैसे निकलवाए, कैश के ऑर्डर दे। भाई मैं तो चाहता हूँ आज एक भी कैश का ऑर्डर ना आए। मैम 388। तो भाई टाइम हो रहा है 9:53 और हम कस्टमर की लोकेशन पर पहुंच गए भाई विद इन 4 मिनट, 2.5 किलोमीटर 4 मिनट में मार दिया, और अभी 388 कैश कलेक्ट कर लेते हैं यार, अभी अपनी आईडी में पैसे डाल लेते हैं यार इधर से। चलो अगले ऑटो की वेट कर लेते हैं तब तक। सो फाइनली यार 11 से 12 अपनी ब्रेक होती है, सबसे पहले ब्राइटनेस डाउन कर लूँ, और भाई 12 बजे आईडी लॉगिन की थी, 12:09 पर अपने पास ऑर्डर आ गया, वॉक्सिंग से उठाने जाना है, 60 रुपये का ऑर्डर है, एक्सेप्ट कर लेते हैं और चलते हैं भाई उठाने। चलो ठीक है ब्रो, वॉक्सिंग इधर से जाएंगे, इधर चले जाएंगे वॉक्सिंग आ जाएगा, और वो गुरुद्वारा साहब के पास जाके पता लगेगा कहाँ धक्के खाने जाना है, शिमलापुरी साइड जाना होगा मे बी। हाँ ऐसे भी हो सकता है साउथ सिटी साइड बेस है, क्योंकि सुबह से राजगुरु नगर साइड जा रहा हूँ। नहीं बंद कर दिया भाई, शो ही नहीं होगा, ये सब बंद कर दिया इन लोगों ने। अरे मेरा दिमाग बहुत है भाई, दिमाग बहुत है, ये भी बंद कर दिया देखो। प्रैंक, मैंने बोला ना सब बंद कर दिया, तुमने ओपन नहीं की ना, इस वजह से तुम्हें लग रहा था कि पता लग जाएगा। चलो भाई मिलते हैं फिर, ले जाऊं ना। चलो भाई ऑर्डर पिक कर लिया, इधर से मार्क कर देते हैं पिक, हल्का फुल्का टाइम लग गया, 12:23 इधर ही हो गए। ये जाना है मेरे को जसिया रोड भाई, उधर सारा जाम ही जाम होने वाला है जसिया रोड पर यार, 6 किलोमीटर है टोटल जसिया रोड में, 2.5 किलोमीटर आगे जा करके आएगी अपनी लोकेशन, बहुत ज़्यादा रश होने वाला है यार जसिया रोड, 5.9 किलोमीटर शो कर रहा है टोटल। चलते हैं भाई, हैबोल चौक से घुसना पड़ेगा ना हमें अंदर जसिया रोड की तरफ, नो प्रॉब्लम घुसेंगे भाई, काम करने आए हैं तो जाएंगे। ये भाई झूले लगे हुए हैं इधर, इधर में भी किसी चीज़ का तो मेला लगने वाला है, आई डोंट नो किस चीज़ का। आगे आगे दशहरा दिवाली आ रहे हैं, दशहरा दिवाली को भाई मैं काम करता हूँ, बिकॉज़ दिवाली मेरा मन नहीं करता मनाने का, क्योंकि कुछ सीन हुए हैं लास्ट 1-2 साल से, तो मूड ही नहीं करता यार। आप लोगों को बताऊँगा कि क्या क्या सीन हुए हैं मेरी लाइफ में, 20K सब्सक्राइबर्स के बाद बताऊंगा, क्योंकि मैं यार ये चीज़ नहीं सुनना चाहता ना कि तुमने चैनल गेन किया है लोगों का तर्स खा करके, तो इस वजह से मैं जब तक 20K सब्सक्राइबर्स नहीं होते ना, तो अपनी लाइफ की स्टोरी, अपना यूट्यूब का स्ट्रगल, अपनी लाइफ का स्ट्रगल आप लोगों को नहीं बताऊंगा, बिकॉज फिर कई लोग तर्स खा करके सब्सक्राइब तो कर देते हैं लेकिन बाद में फिर सुनाने भी लग जाते हैं, वो चीज़ मेरे को नहीं मांगता भाई। और चलते हैं भाई, इसको डिलीवर करते हैं जा करके, खुशी वाली बातें करते हैं, गम वाली बातें जिस दिन वीडियो में करेंगे उस दिन सिर्फ गम वाली बातें ही होंगी। मैम वंदना नाम से, वेट, हेलो जी, वेलकम। ऐसे एरिया में आना ना थोड़ा टफ हो जाता है भाई, 12:40 हो गए और अभी जा करके अपना ऑर्डर डिलीवर हुआ है, 60 रुपये मिले हैं इसके, अभी फिर से सेल्फी मांग रहा है भाई, चलती बाइक पर भाई तंग कर रखा है इसने यार। सो यार सारा सराबा नगर तक मेरे को खाली आना पड़ा, अभी जाकर के ऑर्डर आ रहा है 42 रुपये का, 1 किलोमीटर का पिकअप है, 4 किलोमीटर का ड्रॉप है, 42 रुपी। नहीं चलते हैं भाई टेको बेल पर, आज का अपना छठा ऑर्डर उठाने, टाइम हो रहा है 12:55 में सिर्फ एक ऑर्डर लगा, मैंने बोला ना यार उधर रश होता है, आने जाने में टाइम उधर इतना ज़्यादा लग जाता है, आधा घंटा। सो फाइनली यार मिल गया अपने को अपना ऑर्डर, ये भाई SBS नगर में जाना है यार लेकर के, इसको इसमें रखते हैं, चलते हैं भाई, ऑफलाइन होकर के डिलीवर कर रहा हूँ, कोई अर्जेंट कॉल आ रही है मेरे को भाई। टाइम हो रहा है 1:09 और भाई ऑर्डर हमने कर दिया डिलीवर, इसके वही 32-39 कितने शो हुए थे यार, यार फिर से कॉल आ रही है, 40 रुपये मिल गए, नॉट बैड। चलते हैं भाई इधर से वापिस सराबा नगर। यार वैसे ना बैक टू बैक ऑर्डर नहीं मिल रहे जैसे मेरे को नॉर्मली मिलते हैं, संडे है लग नहीं रहा कि संडे है,
हर ऑर्डर देके शराबा नगर में ही आना पड़ रहा है यार। संडे वाले दिन तो कहीं से भी उठा लेता है ये। देखो शराबा नगर में पहुंच गया और अपने को अभी तक ऑर्डर नहीं मिला। भाई ऐसे कैसे चलेगा यार, थोड़ा स्पीड से ऑर्डर वगैरह डालो यार, एक आधा मल्टी वल्टी डालो, मेरे को थोड़ा लगे कि भाई काम दे रहे हो तुम लोग। ऐसे मजा नहीं आता यार काम करने में, जब रुक जाते हैं ना फिर मजा नहीं आता काम करने में। अभी देखो शराबा नगर में आ गया, अभी जाकर के ऑर्डर मिला खुशी राम एंड सन से 29 रुपीज। भाई यार शराबा नगर में आकर वापिस आना, फिर एक दो किलोमीटर की पिकअप उठाना, पेट्रोल ज्यादा लगता है यार। इधर सारी रोड टूटी हुई है, अगर बारिश वगैरह हो रही हो इधर इतना ज्यादा पानी खड़ता है ना ऊपर से, ये देखो कम से कम नहीं आधा आधा एक फुट डूंगा टोए है ये। यहाँ पर तो भाई लंका लग जाती है जब पानी रुकता है यहाँ पर, पहले यहाँ पर पानी एक एक फुट के करीब हो जाता है यार। रेस्टोरेंट के पास आइटम ही नहीं है, इधर ऑर्डर कैंसलेशन पर लगाया हुआ है, कस्टमर केयर से बात चल रही है, देखते हैं करते हैं कैंसिल नहीं करते। भाई कितनी टाइम से यार होल्ड पर है मेरा फ़ोन, टाइम सारा बर्बाद हो रहा है इधर। अरे भाई जल्दी कर दो यार। हाँ जी सर बताइए। सर कस्टमर से बात हो गया, ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया, चेक कर लीजिए। वेट सर, हाँ हाँ जी सर हो गया कैंसिल हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलो भाई ऑर्डर कैंसिल हो गया, इसके 20 रुपये मिलेंगे मेरे ख्याल से अपने को। चेक कर लेते हैं भाई 20 आए भी है या नहीं। हाँ भाई 20 आ गए अपने को, अभी अगला ऑर्डर भी आ जाएगा, हेल्पफुल कर देते हैं। लो वेट टाइम बट ज़्यादा टाइम लिया, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये भी हमारे जैसे बंदे हैं। ऑर्डर कैंसिल करवाने में भी 15 मिनट बेकार जाते हैं हमारे। ऑर्डर थोड़ा ना काउंट होगा भाई, ऑर्डर थोड़ा ना काउंट होगा अपना, बस वैसे ही 15 मिनट बर्बाद गए अपने, 20 रुपये दे दिए 15 मिनट के। अगर इसमें हमारी गलती नहीं है, 15 मिनट वेट किया है, ऑर्डर पर इंसेंटिव है तो इसका ऑर्डर तो काउंट करो। फिर कहते हो राइडर को गुस्सा क्यों आता है, भाई इसी चीज़ की वजह से आता है, 15 मिनट बेकार गए, घंटा कुछ इसमें प्रॉफिट नहीं हुआ। जो ऑर्डर चाहिए वो तो हमारे रुक गए ना, अब 6 ऑर्डर निकले हैं यार अभी तक सारे। शराबा नगर जा रहा हूँ वापस, काम मिल ही नहीं रहा यार, आज मिल ही नहीं रहा काम भाई। 102 रुपये का ऑर्डर डाल दिया इन लोगों ने यार। गोपाल स्वीट दुगरी की मार्केट में भी है क्या, चलते हैं यार उठाने, और क्या कर सकते हैं। दुगरी की मार्केट से गोपाल स्वीट 2.4 किलोमीटर का डिस्टेंस शो कर रहा है। 102 रुपये का ऑर्डर डाल दिया तो डाल दिया, अब क्या ही कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे बैठ कर के ना 6 से 7 अपनी गिग बुक कर ही लेता हूँ, क्योंकि ये कहीं गलत एरिया में जाना होगा तो अपना काम फंसेगा। देखते हैं पहले जाना किधर है, उसके बाद मैं 6 से 7 बुक मार करके अपने दोस्तों को बता दूंगा फ़ोन करके कि भाई मैं काम करने वाला हूँ 6 से 7, बिकॉज आज अपना काम अटक गया। और भाई अगर 32 सेक्टर की तरफ भेज दिया ना तो ऊपर काला काला बादल लगा हुआ है इधर, वहाँ बारिश हो रही होगी, वहाँ बारिश में फ़ायदा उठा सकते हैं थोड़ा बहुत। भाई यार दुगरी वाले गोपाल से अपुन ने अपना ऑर्डर उठा लिया, क्या बात है, ये जाना है सनव्यू इंक्लेव में। अभी मैंने अपनी गिग बुक नहीं की बिकॉज ये जाना ही सही जगह है यार, सनव्यू इंक्लेव की मार्केट से ऑर्डर वगैरह हमें मिल सकता है। पहले उधर चलते हैं यार, थोड़ा ना बाइक लगाते हैं उधर, अभी खींच करके लगाते हैं उधर बाइक, कैनल रोड से होते हुए फ्लाईओवर चढ़ जाएंगे तो सीधा सनव्यू इंक्लेव लग जाएंगे। मतलब यार टाइम हो रहा है भाई, 3 बज गए यार, लोल पूरे 3 बज गए यार। भाई 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 एटलीस्ट हमें 9-7 ऑर्डर चाहिए यार 3 घंटे में, इसके बाद 6 ऑर्डर और कम से कम चाहिए, तो हम सोच सकते हैं कि रात 7 से 10 के बीच में 7 ऑर्डर लगा सकते हैं। बट अगर यहीं पर काम अटक गया तो रात को फिर टफ हो जाएगा अपना, थोड़ा अभी ना मेरे को भाई खींच करके ही करना पड़ेगा। सिक्योरिटी चेक करा करके सनव्यू इंक्लेव में एंट्री मार दी है भाई हमने। सनव्यू इंक्लेव देख लो भाई, ये आगे भी मैं दिखाता रहता हूँ, मेरी मन पसंदीदा जगह है ये, एक नंबर लगती है मेरे को। इधर घर हो अपना तो भाई जिंदगी सफल है अपनी, तो लगेगा भाई कुछ जिंदगी में उखाड़ा है हमने। देखो भाई यार इधर आकर ना अलग ही फीलिंग आ जाती है मेरे को। चलो भाई कैश 255 कलेक्ट कर लिया, ऑर्डर डिलीवर कर देते हैं। 102 शो हुए थे, देखते हैं मिले कितने इसके, हो जा भाई अपडेट, 102 ही मिले हैं। और अभी मैं हूँ सनव्यू इंक्लेव की साइड, और हैबोआर वगैरह में बारिश पड़ रही है, शराबा नगर में सर्ज लग गया भाई, इधर नहीं लगा। कहना बोन से अपने को 70 रुपये का ऑर्डर भी आ गया, चलते हैं भाई उठाने बिकॉज इधर सर्ज नहीं लगी यार,
इधर सर्ज लग जाती तो मजा आ जाता है। 70 रुपए में हमें कम से कम 20 रुपए आ जाता है यार रेंट सर्ज पे। चलो कोई बात नहीं, आएगा आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा यार, हमें ऑर्डर लगाने, अभी खींचते हैं काम। साउथ सिटी में आया था दुगरी से ऑर्डर लेके, और इधर से अपने को ऑर्डर मिल गया भाई सराबा नगर की वापसी का। जहाँ से ऑर्डर लेकर के जाना है मेरे को सराबा नगर, सराबा नगर में लग रखी है रेन सर्च। तो रास्ते में हो सकता है कि हमें बारिश मिले, अगर बारिश हो रही होगी वहाँ पर तो भाई कैमरा वगैरह उतारना पड़ेगा हमें। 7 किलोमीटर का पूरा पूरा डिस्टेंस है, चलते हैं सराबा नगर। होप्स हो के अभी हमें छोटे छोटे ऑर्डर मिलेंगे। कौन से नंबर का ऑर्डर है जी, एक बार देख भी लेते हैं। 17 ऑर्डर चाहिए थे ना मेरे को भाई, 11वें नंबर का ऑर्डर है यार अभी तो, लोल। इसके बाद अपने को 6 ऑर्डर चाहिए, ये लगभग 15 मिनट में मैं डिलीवर कर दूंगा। 25 हो रहे हैं, 40 तक ये ऑर्डर डिलीवर कर दूंगा सराबा नगर की तरफ। जैसा कि मैंने बताया था कि रेन सर्ज लग रखा है, इधर बारिश होने लग गई, कैमरा वैमरा उतार रहा हूँ भाई। अभी ना आप लोगों से सीधा मिलूंगा मैं 7 बजे के बाद। सो यार 6 से 7 अपनी ब्रेक थी, 7 बजे आड़ी लॉगिन करते ही भाई 7:01 पर अपने पास ऑर्डर आ गया। निक बेकर से उठाना है, 4.8 किलोमीटर जाना है 54 का, पहले तो एक्सेप्ट कर लें इसको। चलो भाई ऑर्डर उठाने चलते हैं, इन सब से मिल करके चलते हैं। पै गया मेरे, पै गया। चलो ब्रो मिलते हैं फिर कल को 8 बजे, आ जाना सुबह, है ना। क्या 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 क्या, दोबारा बोलना। ओ भूल ही गया भाई शर्ट तो मैं अपनी। थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच, सारी उम्र थैंक यू करते निकल जाएगी। हैं पता नहीं निक बेकर से उठाना है, पता नहीं यही राजगुरु नगर की साइड जाना होगा। इधर यार एक हायाबूसा फिर रही है, घूम रही है भाई, ड्रीम बाइक है अपनी। ये तो यामा आ गई भाई। अभी तक मैंने क्या किया वो तो बताना ही भूल गया आप लोगों को। लगभग 17 ऑर्डर निकाल करके 875 की अर्निंग हो गई अपनी। 7 ऑर्डर चाहिए अपने को, कल भी 7 चाहिए थे, आज भी 7 चाहिए हैं। आज मैंने 10 से 11 अभी तक बुक नहीं की भाई, क्योंकि अगले हफ्ते मैं आना चाहता हूँ सिल्वर में। पिक ऑर्डर मार लेते हैं भाई यहाँ से। ऑर्डर देते देते यार उन लोगों ने टाइम लगा दिया, एक इतनी सी आइटम थी 20 मिनट के करीब लगा दिया, 17 मिनट मतलब 9:17 हो रहे हैं। और मैप खोल करके चलते हैं यार अपना भाई। इसके बाद एक ऑर्डर देखूंगा मैं, अगर गलत फंसा दिया ना तो अपन 10 से 11 बुक मार ही लेंगे फिर। 11 बजे तक वैसे सेफ होता है, अगर कोई गलत एरिया का ऑर्डर डाल रहे होंगे तो अपन नहीं जाएंगे, बट बुक मार लेंगे। और यार एक बंदा ना BRS नगर में रहता है, वो बता रहा था राजगुरु नगर में जाम बहुत ज़्यादा है यार, जाम ना मिले तो बढ़िया रहेगा, जाम मिल गया तो दिक्कत होगी। मैं तो यही कहूँगा जाम वगैरह ना मिले यार अपने को। और यार वो सामने का मौसम देखो भाई, कैसे पीला 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 हुआ पड़ा है ना, बढ़िया लग रहा है यार काफ़ी। उधर सनसेट हो रहा होगा, उसकी रोशनी हल्की सी ऊपर आ रही है, और ऊपर हल्की सी लाइन बनी हुई है बादलों की, काफ़ी बढ़िया सा लग रहा है। मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ, जो चीज़ मेरे को बढ़िया लगती है वो चीज़ आप लोगों को दिखाना मेरा फर्ज है भाई, ये मेरा फर्ज है। सालसा स्पाइस एंड ग्रिल बसंत शो कर रहा है, बसंत का पड़ेगा नहीं, पिज्जा हट का पड़ सकता है हमें। अरे यार इसको क्या हो रहा है बाइक को, बाइक क्या धोखा दे रही है यार मेरी, क्या यार। लो भाई बर्गर किंग से अगला ऑर्डर आ गया, 38 रुपये का, 3 किलोमीटर का ड्रॉप है, 1 किलोमीटर के करीब पिकअप है। एक्सेप्ट ऑर्डर कर लेते हैं पहले तो। बर्गर किंग भाई रेडी, दे देना ऑर्डर। जे अगर इसने टाइम लगा दिया भाई तो फिर अपने को 10 से 11 बुक करनी पड़ेगी। मतलब यार आज थोड़ा रोज ही टफ लगता है, वैसे फिर निकल भी जाता है काम, टफ तो मैं नहीं कहूँगा भाई, खुद पर भरोसा है कि कर लेंगे, 10 बजे तक ही करेंगे। इधर तो भाई लगता है कवाड़ा होने वाला है, इधर 12 मिनट ऑलरेडी लग रखे हैं, 2 वेज पव, 3 वेज जूनियर, ऊपर 3 फ्राइज। SBS नगर जाना कहाँ पर है, बाड़ेवाल में जाना है भाई, मिलना तो जल्दी चाहिए, कोई ऐसे टाइम लगने वाली आइटम है नहीं इसमें, बट फिर भी ये बर्गर किंग है ही मशहूर है टाइम लगाने के लिए भाई। 11 मिनट भले ही लग रखे थे लेकिन दिल गार्डन गार्डन हो गया भाई। ऑर्डर अपने को पहले ही मिल गया, पिक ऑर्डर कर लेते हैं। इधर से 5 स्टार रेटिंग देंगे इस बार तो, नॉर्मली मैं इनको 1 स्टार रेटिंग देता हूँ। ये भाई बाड़ेवाल में जाना है डिलीवर करने, कितने किलोमीटर है, 3.1 किलोमीटर शो कर रहा है। कस्टमर की लोकेशन पर तो मैं पहुंच गया, कस्टमर को कॉल कर दी, वो कह रहे हैं कि लड़का भेज रहे हैं सामान निकाल लेते हैं, मेरे ख्याल से लड़का आ ही गया। अरे 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 लिफाफा ही फट गया भाई, मेरे उठाने का तरीका ही गलत था। करण अरोड़ा नाम से
हेलो, थैंक यू। ऑर्डर डिलीवर मार्क कर देते हैं इधर से यार सनव्यू इंक्लेव की मार्केट उठा सकती है हमें, हालांकि 2-2.5 किलोमीटर इधर से 38 रुपये मिले हैं इसके, उठा ले भाई अगर उठाना है, नो प्रॉब्लम। सो यार अभी जा कर के मैं घर में पहुंचा हूँ भाई, एक्चुअली यार थकावट बहुत ज़्यादा हो गई यार, आज 24 ऑर्डर डिलीवर करने थे, पूरे 24 ऑर्डर ही डिलीवर हुए हैं अपने, और आज की यार जो अर्निंग हुई है ना, अर्निंग वही 1571 रुपये की अर्निंग हुई है, ऐसी तैसी करवाने के बाद आज पेट्रोल सही लगा यार, पेट्रोल लगभग 300 रुपये का लगा, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ भाई, अभी जस्ट आँख मेरी बंद हो रही है क्योंकि कल भी सुबह 8 बजे जाना है क्योंकि कल जन्माष्टमी है, तो आज की जो अर्निंग हुई है भाई उसका स्क्रीनशॉट इधर लगा दूंगा, पेट्रोल भी आप लोगों को बता दिया, आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं ऐसी किसी न्यू वीडियो में, तब तक ले जाए बोले।